हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से मल्टीपल, जी हाँ मल्टीपल कंडीशंस को लुकअप किया जाए। मेरे पास एक डेटा देख पा रहे हैं जिसमें ट्रांजेक्शन आईडी है और यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट का दिया गया है। अब मुझे इसमें ट्रांजेक्शन आईडी रिपीट है, यहाँ डेबिट में है तो यहाँ देखिए क्रेडिट में हो, तो मुझे यहाँ ट्रांजेक्शन आईडी किसी और शीट पे, फिलहाल तो मैं यहीं रख दिया है, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों को चाहिए, अलग अलग चाहिए। देखिए, वी लुकअप में मल्टीपल कंडीशंस आप लगा सकते हैं, लेकिन क्या होगा, वो जस्ट एक सेल को मैं चेक करना चाहते हैं कि भाई ये चीज इसमें अवेलेबल है या नहीं, तो वी लुकअप का यूज कर सकते हैं, लेकिन डेटा नहीं ला सकते। तो कैसे लाएंगे डेटा? तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इंडेक्स का। इंडेक्स हमने सेलेक्ट कर लिया डेटा को। अब इसके अंदर चाहिए रो नंबर। क्या चाहिए? रो नंबर। यहाँ पे हम लगाएंगे रो नंबर की मैच। हमने आईडी को लिया, इसके साथ कॉनकेट कर दिया, आईडी के साथ क्या कर दिया हमने, कॉनकेट कर दिया डीआर को। और फिर जहां लुकअप करना है वहां भी इन दोनों को कॉनकेट करना है, जैसे कि ए कॉलन को एंड बी कॉलन को, यहाँ पे कॉमा जीरो और मैच क्लोज करके हम यहाँ पे 1 2 3 नंबर इंडेक्स को दे देंगे। तो देखिए रिजल्ट 512 आ गया। बट प्रॉब्लम है कि ये फॉर्मूला शायद आपको समझ में ना आया। चलिए बताता हूँ, मैं यहाँ मैच का फॉर्मूला सबसे पहले लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा फॉर्मूला? मैच का। मैं नीचे साइड में लगाता हूँ मैच। मैच फॉर्मूला में चाहिए लुकअप वैल्यू, तो हमने लिया लुकअप वैल्यू के लिए आईडी। आईडी के साथ कंबाइन किया किसको? डीआर को। तो आईडी और डीआर मिक्स हो गया। अब हम इसमें लुकअप करेंगे तो इसमें तो सिर्फ आईडी है, आईडी और डीआर तो है नहीं, तो जैसे हम इन दोनों को कंबाइन किए ऐसे हम आईडी और डेबिट क्रेडिट को भी कंबाइन कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमा जीरो देंगे। तो ये आप देखिए वन आया, वन मतलब कि वन नंबर सिक्वेंस। अब इसको फॉर्मूला एलुलेट करके चेक कर सकते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखा, आपके सामने दिया, इन दोनों का आपस में मैच किया, तो देखिए डी आर आ गया, दोनों ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए ए और ए। और फिर हमने एवलेट किया तो यहाँ जो डेटा है वो डेटा के अंदर भी इन दोनों आपस में कंबाइन हो गया। अब मैच को इसके अंदर मैच करना है, जहां मिला वो स्थान इसने शो कर दिया। अब मेरे पास इसमें इस वन नंबर रो के, वन नंबर रो एंड तीसरे नंबर कॉलम का डेटा चाहिए। वन मतलब कि हमारा डेटा यहाँ से स्टार्ट है, आईडी को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ हम इंडेक्स का फॉर्मूला लगाए, ऑफसेट का भी लगा सकते हैं, फिलहाल हम इंडेक्स का लगा रहे हैं। इंडेक्स हमने बोला कि मैच की जो रिजल्ट है वो हमारा रो हो जाएगा, और तीसरा नंबर जो रो है हमारा, और तीसरा नंबर रो ही आ जाएगा, और एंड प्रेस किए अमाउंट आ गया। लेकिन हमने डेटा वन से सेलेक्ट कर लिया, हमें डेटा सेलेक्ट करना चाहिए था टू से। कहाँ से? किससे? टू से। ये देखिए 522 आ गया। और इसी चीज को मैं यहाँ यहाँ पे पेस्ट करूँ तो यहाँ भी हम सेम फॉर्मूला लगाए। लेकिन इस सबसे पहले जो मैच का फॉर्मूला हमने यहाँ लिया हुआ है ना, हम यहाँ रो के अंदर डाल देते, इसके अंदर रो H6 के अंदर हम डाल देते हैं। अब ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब नीचे ड्रैग करना है तो हमें करना होगा फ्रीज। क्या करना होगा? फ्रीज। तो F4 से हम करते हैं इसको फ्रीज, और F5 फ्रीज होगा, A2 से H6 फ्रीज होगा, ये हमारा फ्रीज हो गया। ये भी फ्रीज कर दीजिए और ये भी फ्रीज कर दीजिए। अब इसी फॉर्मूले को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद जाता हूँ CR में, और यहाँ जहाँ मेरा ये था FDR था, DR को उठा के हमने CR पे रख दिया, और ये आपको 680 आ गया। आप देख सकते हैं ये रहा 680 और ये रहा 522। डेटा एकदम सिक्योर है, और नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो बाकी डेटा भी मेरे आ जाएंगे। अब एक चीज और आ सकता है, कंप्लीट एडवांस एक्शन। तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, फटाफट मुझे कॉल कीजिए और ऑनलाइन क्लासेस को बुक कीजिए। पहले 3-4 क्लासेस हमारी डेमो है, उसके बाद आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो। हमारा मोबाइल ऐप चलता है, ऐप के अंदर बहुत सारे वीडियोस कोर्सेज मिलेंगे, तो वीडियो कोर्सेज को बाय कर सकते हो। तो फटाफट डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।